अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका सलाह जमाल। इस टाइम मैं मौजूद हूं लालू के 2 नंबर झंडा चौक पे। यहां पीछे देख रहे होंगे बारबेक्यू सेटअप चल रहा है, जो कि इंतहाई सस्ता और चटपटा बारबेक्यू है। टेस्ट भी दिखाते हैं, रिव्यू भी देते हैं, सब चीज़ें बताएंगे, तो आए चलते हैं। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे भैया भाई मौजूद है जो यहाँ के मसाला लगाने के एक्सपर्ट है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ मुझे 4 साल हो गए। और वैसे कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में? इससे पहले तो मैं 12 साल की उम्र से ही कर ही रहा हूँ ये काम। कौन कौन से आइटम अभी 62 साल उम्र है मेरी। अरे 62 साल है, लगते नहीं हो चाचू? बस भैया भाई के नाम से मशहूर है, लगते चाचू नहीं है ये, भैया भाई वाकई नाम इनका सही रखा गया है। कौन कौन से मसाले आप इसमें लगाते हैं जरा बताएंगे? यही होते हैं गरम मसाले वगैरह। गरम मसाला कोई कंपनी का तो नहीं यूज कर रहे? नहीं नहीं, ये बस बनाने की बात है। ओहो, यानी मजा आने वाला है जी। कौन कौन से आइटम पे बना रहे हैं यहाँ पे आप? हम हर आइटम बना देंगे, सब आइटम बारबेक्यू का बना रहे हैं। मलाई टिक्का, मलाई बोटी, चिकन टिक्का सब बन रहा है, बना देंगे, जबरदस्त होने वाला है। भैया भाई जो यहाँ मसाले लगाते हैं, आगे चलते हैं दिखाते हैं, तो आए चलते हैं। जी है जो रोल यहाँ पे एक्सपर्ट है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं? ये 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, माशाल्लाह आपको भी 4 साल हो गए। कौन कौन से रोल बना रहे हैं यहाँ पे आप? ये बोटी कबाब, मलाई बोटी। अच्छा अच्छा, ये पराठे में जो देखे, ये वो खान साहब वाला पराठा है जिसमे ये रोल बनाते हैं, पूरी पराठा नहीं होता? जी जी, बहुत इसकी खास वजह क्या इस पराठे में देने की? दुनिया पूरी पराठे में बेच रही है, आप इस तरह बेच रहे हैं, इसकी क्या वजह? लोगों की पसंद है, लोगों की डिमांड पे आपने रखा है। और जो ये चटनी है, ये कौन सी चटनी है? ये मिर्ची और खटाई की चटनी है। मिर्ची और खटाई की चटपटी है, नॉर्मल है या खट्टी मीठी है? चटपटी, चटपटी होती है। जबरदस्त होने वाला, देख ही रहे होंगे कि मसाले कैसे लगे। चटनी भी आपको दिख गई है, आगे जाके दिखाते हैं, तो आए चलते हैं। जी व्यूअर्स, तो जैसा मैंने बताया था, इंतहाई चटपटा और बहुत ही सस्ता बारबेक्यू यहाँ मिलता है। ओनर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कितना टाइम हो गया सेटअप को? तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। कौन कौन से आइटम लगा रहे हैं जरा बताएं? बीफ बोटी है, बिहारी। ये कौन सी है? ये कबाब है, ढाका कबाब। ढाका कबाब है। इसके बाद ये? ये मलाई बोटी है। मलाई बोटी है। ये चिकन टिक्का है। और ये आखिरी आइटम? ये बीफ बोटी है, बिहारी बीफ बोटी। अच्छा, प्राइस भी जरा बताएं हमारे व्यूअर्स को कि इतहाई सस्ता आपका है, क्या रेट क्या है? यार देखो भाई, ये ना एक प्लेट है कबाब ना, ये 220 रुपए। ये पूरी एक प्लेट है, 4 सीख है माशाल्लाह। और ये है 2 सीखे, ये भी एक प्लेट है, ये 300 रुपए की है। 300 रुपए की हो गई। 270 रुपए का चेस्ट टिक्का है। अरे जबरदस्त हो गया। और 260 रुपए की बिहारी की प्लेट है। 240 रुपए की बिहारी की प्लेट है। 260 रुपए, 260 रुपए की बिहारी की प्लेट है। अच्छा, जो मसाले सारे भैया भाई लगा रहे हैं? हाँ, सब गर्म मसाले हमारे अपने होते हैं। जबरदस्त हो गया, मसाले भी सारे इनके अपने हैं, चटनी भी बहुत लजीज है। आगे जाके रिव्यू देते हैं, तो आए चलते हैं। जी तो ये है लालू खेत, यहाँ पे देसी खाने खाए जाते हैं, देसी शौकीन होते हैं। इसलिए यहाँ पे पूरी पराठे का कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मली पठान वाले पराठे मिलते हैं जो कि बारबेक्यू के साथ खाए जाते हैं। लाजवाब टेस्ट होने वाला है, चटनियाँ भी ज़बरदस्त होने वाली है, मसाले भी ज़बरदस्त होने वाले हैं, तो आए चलते हैं। अच्छा अजीम भाई, ये कबाब के साथ मक्खन रखा हुआ है, इसका क्या तरीका, क्या चीज है ये? फ्राई कबाब कहलाता है। फ्राई कबाब है, इसके अंदर ना हाफ इसके ऊपर होता है, ठीक है, फिर इसको हम धागे निकाल के फिर मक्खन डाल के इसको फ्राई करते हैं। अरे जबरदस्त, लाजवाब होने वाला है। मक्खन डाल के, ठीक है, इसके अंदर यहाँ फ्राई करते हैं। ये फ्राई होगा। इसकी क्या प्लेट है? ये 300 रुपए प्लेट है। 300 रुपए प्लेट है, ये होती है, ठीक है। और इसके अंदर फिर हम लोग ये हरी मिर्च अदरक डाल के और इसको कंप्लीट करते हैं। जबरदस्त हो गया, यानी आपका स्पेशल आइटम है। स्पेशल आइटम है। और वैसे भी माल के ऊपर ना कोशिश करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मक्खन भी लगाते हैं। मक्खन होता है माशाल्लाह, मक्खन में रश है, तो अंदाजा हो ही जाएगा माशाल्लाह, आपके चीज में जान है तो रश है। बस अल्लाह इज्जत देने वाला है, कोशिश है, बेशक सब कुछ अल्लाह के हाथ में, बस कोशिश करते हैं कुछ अच्छा करे, अगल हाल का खाए, बिल्कुल, बाकी अल्लाह इज्जत देने वाला है। अच्छा, इतने कम प्राइस में माशाल्लाह मैनेज कर रहे हैं, मार्केट से बहुत ही कम रेट है, तो प्रॉफिट मार्जिन कम? मैंने कभी हिसाब ही नहीं किया, बस अल्लाह ताला चला रहा है जैसे चला रहा है। अरे जबरदस्त हो गया ये, बेटा प्लेट लगाओ, प्लेट लगाओ, बस अल्लाह ताला कर रहा है पूरा, हमारी ताकत नहीं है भाई किसी को खिलाने की, ऐसा ही है, ऐसा महंगा, बस दुआओं की जरूरत है, दुआओं में याद रखें और खिदमत का मौका है। बिल्कुल, ये हो गया तैयार? नहीं अभी तैयार नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ, तैयार होगा फिर आपके पास भी भेजता हूँ ना मैं तैयार करके। आप चले, जब तक ये रेडी हो रहा है, जब तक आप और चीजें देखें, तो आए चलते।
ये इसमें अब डाली है बीफ बोटी, चलिए दो किस्म के कबाब के साथ ये मिल रहा है और 300 रुपये सिर्फ प्लेट है, जो कि लाजवाब होने वाली है। रश बताता है रेस्टोरेंट का टेस्ट कैसा है। रश आपको आइडिया होगा कि लाजवाब टेस्ट होने वाला है। हम भी रिव्यू देंगे, सब चीज़ें दिखाएंगे, तो आए चलते जी। बॉस क्या लेने आए हो? बॉस यहाँ की बहुत स्पेशलिटी है। क्या चीज़? इनका कॉकटेल फ्राई। कॉकटेल फ्राई जबरदस्त होने वाला है। कैसा है, आपको कैसा लगता है? बॉस का क्या बताएं कि बस ये जो एक मिले की टेस्ट है, बहुत यानी कि रिवायती जो होता था ना, कभी पहले मिला करते थे माशाल्लाह से, बहुत अच्छा टेस्ट है। कितने टाइम से खा रहे हैं आप यहाँ पे? ये खाते हो तक तो इनकी नहीं है, साल भर हुआ इनको शुरू किए हुए। ठीक है, साल से आप ऐसे लगे खा रहे। बाकी इससे पहले जो इनके दूसरे आइटम है वो तकरीबन पाँच छः सालों से खा रहे हैं। इसके अलावा और कौन सा आइटम आपको इंतहाई पसंद है? इनका बीफ धागा जो है एंड और रोल में टेस्टी है, इतना मजेदार है, बीफ धागे का जवाब ही नहीं है माशाल्लाह। ये है रेगुलर कस्टमर, तारीफ से आपको आइडिया हो गया। तकरीबन चार पाँच साल हो गए, चार पाँच साल से मिले और माशाल्लाह से ऐसा टेस्ट हमारे को कहीं नहीं मिला। जबरदस्त हो गया। पैसों के हिसाब से बताएंगे? पैसों के हिसाब से तकरीबन आप कहीं भी चले जाएं उसके हिसाब से बहुत ही मुनासिब, बहुत कम रेट है। जबरदस्त, यहाँ तक कि रोल में भी अगर आप लें तो 10-20 रुपए कम ही मिलेंगे दूसरे लोगों से। रोल भी माशाल्लाह इन्होंने 90, 100, 110, 120 रुपए रेट रखे। कुछ भी नहीं आज के दौर में, कुछ भी नहीं, आगे जाए तो 100-200, 250 ये चल रहा है। 250 रुपए इतने सस्ते पैसों में, मुनासिब पैसों में इतना अच्छा टेस्ट हमारे को यहाँ मिल जाता है, तो हम यहीं पर ही आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, हम भी रिव्यू देते हैं, तो आए चलते हैं जी। व्यूअर्स, से मज़ेदार सा खाना हमारे सामने आ चुका है, जो कि हमारे कस्टमर ने बताया कि इनका स्पेशल आइटम है कॉकटेल कबाब। देखने में बहुत ज़बरदस्त है, टेस्ट भी आपको बताएंगे। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये है इनके धागा कबाब, जो ट्रेडिशनल स्टाइल बनते हैं प्योर। ये देखें, धागा भी आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत कम रेस्टोरेंट है जो इसका ट्रेडिशनल स्टाइल से यूज़ कर रहे हैं। टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। ये इनकी चटनी जो कि बहुत ज़बरदस्त सी लग रही है, खा के बताते हैं। और ये इनका पराठा जो सुबह नाश्ते में मिलता है, बारबेक्यू में यहाँ मिल रही है। देसी लोग हैं, देसी खाने वाले हैं, तो देसी तरीके से खाते हैं। सबसे पहले ट्राई करते हैं इनका कॉकटेल कबाब। ये देखें, धुएँ निकल रहे हैं ज़बरदस्त। धागा कबाब और बिहारी कबाब का कॉम्बिनेशन है, बेहतरीन बना हुआ है। और मक्खन जो उन्होंने डाला है वो टेस्ट को चार चांद लगा रहा है। और 300 रुपये में ये प्लेट बुरी नहीं है बॉस, बहुत इकोनॉमिकल रेट में मिल रही है। यानी ये पराठों के साथ दो बंदे आराम से खा सकते हैं। सेकंड आइटम इनका, ये इनका धागा कबाब। ये देखें कितना बेहतरीन कुक हुआ है और रेशा रेशा हो रहा है। ये देखें, ये इसको लेते हैं इनकी चटनी के साथ। मैंने बहुत जगह पे खा रहा हूँ, वीडियोस भी आप देख रहे हैं, अब तक ऐसे कबाब मुझे नहीं मिले, बेहतरीन बने हुए। थर्ड आइटम इनका चलते हैं, जो के है मलाई बोटी। ये देखें, जूसी सी, नरम सी, बेहतरीन। ये अपनी जगह क्लास है। और इस ब्रांडे के साथ तो चार चांद लग रहे हैं। पूरी ब्रांडे के साथ तो आपने बहुत खाया, बहुत वीडियोस देखी हैं, खुद भी आप अक्सर खाते हैं, उसके साथ चार चांद लग रहे हैं मलाई बोटी को जी। तो अब इनके चलते हैं चौथे आइटम की तरफ, जो के है बिहारी कबाब, बिहारी बोटी। ये देखें, बेहतरीन मसालेदार चटपटी, फुल मज़ेदार वाली। धुएं देखें, गर्मा गर्म सर्व हो रही है। अगर आप सही मायनों में चटपटा खाने के शौकीन हैं, चटपटा वो नहीं जो मुंह से धुएं निकाल दे, जो मज़ा है, सारे आइटम वो है बेहतरीन। टिक्का लास्ट आइटम इनका, 270 रुपये में चेस्ट टिक्का मिल रहा है यहाँ पे, नॉर्मल मार्केट में 350 से ऊपर है। 270 रुपये में टिक्का दे रहे, चटपटा बेहतरीन, मसाले भी ऐसे हैं कि मिर्चे नहीं लगाएंगे, धुएं नहीं निकालेंगे, पर जबान पे ऐसा टेस्ट आएगा कि मज़ा आ जाएगा। मेहनत वसूल, पैसे वसूल, आना वसूल, हमारी वीडियो बनाने का मकसद वसूल।
होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड करते हैं, खाना गर्म है, ठंडा हो जाएगा, इससे पहले इसको फिनिश करते हैं। लोकेशन की बात करें तो लालू के 2 नंबर झंडा चौक पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में इनकी पिन लोकेशन भी मिल जाएगी। अच्छा, अभी इनकी ऑनलाइन सर्विस फूड पांडा कुछ भी अवेलेबल नहीं है, पर इन फ्यूचर इनका स्टार्ट होने वाला है, वो भी आगे आपको जाके आएंगे जब आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं या नहीं। वीडियो को एंड करते हैं, अपने उस्ताद जमाल को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।